तो हम अभी आ गए हैं डबरू चाटी में, जो पुल ब्रिज बना हुआ है ये काफ़ी फेमस है, क्योंकि लाइटिंग यहाँ पर रात को चमकती है काफ़ी। इन्होंने भयंकर तरीके से लाइट कर रखी है, तो अभी तो हमको दिख नहीं, क्योंकि अभी उजाला है। तो यहाँ पर से हम गाड़ी ले गए थे, तो गाड़ी के लिए इन्होंने मना कर दिया है। देखिए इन्होंने रेड लाइट और ग्रीन करके है, तो मैं फिर गाड़ी रिवर्स करके लाया, और उसके बाद अब पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि पैदल ही यहाँ से अलाउड है, गाड़ियाँ नहीं है लागू। तो अभी हम पैदल चल रहे हैं। तो ये पैदल पैदल चल रहे हैं अभी हम, मुझे लगता है ये 1000 मीटर तक का पुल की लंबाई है, तभी तो हम इस तरफ जा रहे हैं। तो मेन पुल जो है वो आगे है, तो देखिए यहाँ पर ये पुल है। तो ये है दोस्तों, बस हम नज़दीक पहुँचने वाले हैं पुल के। इस पुल को देखने के लिए हमने कम से कम 12 किलोमीटर टर्न किया वहाँ से, आधे रास्ते से, क्योंकि जिस रूट पे हमने घर जाना है वो रूट अलग है और ये रूट अलग है। जो श्रीनगर का रूट है वो अलग है, और ये डबरू चाटी वाला अलग रूट है। तो ये उन्होंने गाड़ी के लिए पहले मना कर दिया वहाँ पर। तो देखिए यहाँ से इन्होंने पुल की जो मेन वायरिंग होती है यहाँ से करके, कितनी ज़बरदस्त, मतलब हार्ड काम कर रहा है, बहुत ही बड़ा पुल है ये। देखिए यहाँ से, अब मैं साइड से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये बहुत ही बड़ा पुल है, देखिए ये। तो इसमें रात को बहुत तगड़ी लाइटिंग चलती है इसमें, तो अभी मैंने देखा तो नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इसी पुल को स्पेशली देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, मतलब अभी जो हमने टर्न किया, नहीं तो हम अभी घर जा रहे थे। और ये देखिए इसके साथ साथ झील की ठंडी, लहरों की ठंडी को भी हम महसूस कर रहे हैं। और पानी को देखिए, यहाँ पर दो कलर का पानी है, जो आप यहाँ पर देखिए पानी का दो कलर है, मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। ये यहाँ पर से पानी का दो कलर है, एक मेरी मेरी साइड का मटमिला, और आगे साइड के जहाँ पर ये बीच में कॉटेज बनाए गए हैं, तो मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर लकड़ी के कॉटेज बनाए गए हैं। तो यहाँ पर अब रेंट कितना है ये तो पता नहीं है, लेकिन उस तरफ ग्रीन पानी वाटर है, और जिस तरफ मेरी तरफ बोट आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बोट आ रही है, ये चल रही है बोट, तो ये टर्न कर दिया उसने, तो लोग बोटिंग का भी मज़ा ले रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी गहरा है यहाँ पर, और 100 मीटर तक की झील है ये, जो उत्तरकाशी तक। तो ये नीचे का नज़ारा देखिए, ये बहुत ही डरावना है, यहाँ पर देखिए बहुत ही। देखिए ये पुल है, तो लगभग ये 500 मीटर तक की लंबाई का ब्रिज है, तो काफ़ी अच्छा पुल है। तो हम पुल को देख लें, हमने ये जो इसके लिए हमने स्पेशल यहाँ पर देख लिया, हमने टर्न किया था गाड़ी को, तो देख लिया यहाँ पर, देख लिया। और यहाँ पर नीचे देखिए ये वाला, ये कितना भयंकर पानी यहाँ पर है रुका हुआ, और आगे ग्रीन, और बाकी आगे कॉटेज, ये हल्का दिख रहे जो आप, ये लकड़ी के कॉटेज बने हुए हैं, और यहाँ पर लोग जो बड़े बाहर के टूरिस्ट आ रखे हैं, जो जगह जगह के, तो यहाँ पर बोट का लुत्फ लेते हुए, और टीरी झील की जो ठंडी ठंडी लहरों का भी यहाँ पर मज़ा ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर कितना, काफ़ी गहरा लग रहा मुझे ये पानी, आप देखिए यहाँ पर, तो काफ़ी यहाँ पर इस झील को देखने के लोग आते हैं, और मैं उस तरफ भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर, तो ये गाड़ी के लिए इन्होंने, इनको पता नहीं था, इन्होंने यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर रखी, तो अब भी हटा, तो इनको पता नहीं था, तो इन्होंने पुल के ऊपर गाड़ी लगा दी, यहाँ पर अलाउड नहीं है, तब ये अनाउंसमेंट कर देंगे, तो इनको बता दिया हमने कि गाड़ी ऐसा हटा लेंगे, जिनको पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो ये है, तो देख लिया हमने पुल, और अब चलते हैं फिर अपने श्रीनगर पौड़ी की तरफ।